जेलर पुस्तक का 7th एपिसोड। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या पूर्व भव, पिछले जन्म, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इन सब के लिए कोई जगह है क्या? क्या वो इन्हें स्वीकारते हैं? कर्म की थियोरी में उनका क्या मत है और क्या आकलन है? पाश्चात्य विद्वान भी अब कर्म के कुदरत के इस न्याय को स्वीकारने लगे हैं। इससे संबंधित कुछ बातें जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हिप्नोटिक ट्रांस यानी सम्मोहन की प्रक्रिया के द्वारा 1000 से भी अधिक मनुष्यों के पूर्व जीवन का अभ्यास करने वाले डॉक्टर अलेक्जेंडर कैनन द्वारा द पावर विथ इन नामक पुस्तक में दिए गए सारांश और उनका आकलन देखते हैं। क्या दूसरा जन्म अपनी पसंद के अनुसार मिलता है? एज रिग्रेशन के प्रयोगों में यानी व्यक्ति को एक तरह से हिप्नोटाइज करके कुछ समय पीछे ले जाने के प्रयोगों में इस प्रश्न का उत्तर ना में मिला है। दूसरा जन्म अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलता बल्कि अपने वर्तमान जीवन के अनुसार मिलता है। पूर्व जन्मकृत किसी दुष्कृत के फलस्वरूप क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार कोई मनुष्य इस जन्म में किस प्रकार दुखी होता है यह बताकर पूर्व जन्मों का अभ्यास कुदरत के साम्राज्य में प्रवर्तित श्रेष्ठ न्याय को सिद्ध करता है। मेरे ऊपर एक के बाद एक आपत्तियों का आगमन क्यों होता रहता है? ऐसी फरियाद करने वाले मनुष्यों के विगत जन्मों में दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने पिछले जन्मों में क्रूर कर्म किए हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति कुछ भी करे तो भी उसे सफलता ही प्राप्त होती है। पूर्व जन्म कृत किसी सत्कार्य का यह पुरस्कार हो सकता है। परामनोवैज्ञानिक संशोधन द्वारा कर्म तथा पुनर्जन्म की प्रतीति होने के कारण पाश्चात्य जगत में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्वीकार कर लेने की मांग हो रही है। डॉक्टर पॉल ब्रिंटन अपने द हिडन टीचिंग बियॉन्ड योगा नामक पुस्तक में लिखते हैं कि कर्म का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। एशिया के धर्मों ने उसका स्वीकार किया है। यूरोप में भी पहले उसको मान्यता दी गई थी परंतु यीशु के उपदेश में से निकाल दिया। इस प्रकार कुछ नासमझ लोगों ने पाश्चात्य देशों को इस वैज्ञानिक नियम से वंचित किया, परंतु अब इस वैज्ञानिक सिद्धांत को पुनः प्रतिष्ठित करने का समय आ गया है। इस कार्य को आगे बढ़ाना यह शासकों का, नेताओं का, शिक्षकों का तथा धर्म गुरुओं का कर्तव्य है। जब मनुष्य को यह समझ में आएगा कि अपनी वृत्ति प्रवृत्ति के प्रत्याघात में से बचना संभव नहीं है, तब उसे क्या प्रवृत्ति करनी चाहिए इस विषय में वह अधिक सावधान रहेगा और विचार करते समय भी अधिक सावधान रहेगा। जब उसे यह ज्ञान होगा कि द्वेष तथा धिक्कार ऐसे कातिल शस्त्र है कि जो केवल जिस पर वार किया है उस शत्रु को ही नहीं बल्कि वहां टकरा कर वापस घूम कर स्वयं शस्त्र छोड़ने वाले को भी घायल करता है, तब वह इस अत्यधिक अनर्थकारक पाप के विचार को अपने मन में स्थान देने से पहले 100 बार सोचेगा। इस समझ में से सुदृढ़ नीतिमय जीवन का उद्भव होगा। पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को अपनाना पश्चिम के लिए अत्यंत आवश्यक है और वह भी बहुत शीघ्र, क्योंकि ये सत्य मनुष्य को एवं देश को अपने नैतिक उत्तरदायित्व का जो भान कराते हैं वह कोई भी अनुचित वाद या मान्यता नहीं करा सकेंगे। जो मनुष्य कुदरत के इस न्याय का हृदय पूर्वक स्वीकार करता है उसके जीवन में फिर कोई फरियाद ही न रहने से स्वस्थ एवं शांत जीवन सहज बनेगा। और फिर मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है और वह तो कुछ भी नहीं करता है या कुछ भी नहीं करती है, ऐसी जीवन की सारी असमानताओं को बिना किसी शिकायत के जीव स्वीकार कर सकेगा। सामान्य कैद की सजा पाने वाला कैदी कोई श्रमपूर्ण काम नहीं करता। सख्त कैद की सजा पाने वाला मनुष्य श्रम करते करते पस्त हो जाता है, थक कर चूर हो जाता है, फिर भी क्या उसकी कोई फरियाद होती है? पूज्य श्री यहाँ पर पारिवारिक जीवन के संबंध में एक गहरी बात कहते हैं कि अपनी सास के विषय में शिकायत करने वाली पुत्री से कहिए कि अगर तुझे कुदरत से भव्य पुरस्कार पाना है तो मेरे कर्म दुष्ट है, ऐसा सही उत्तर ही बोलना और सोचना। और अगर दंड नहीं चाहिए तो मेरी सास दुष्ट है, ऐसे गलत उत्तर का तो विचार भी मत करना। पूज्य श्री की यह बात सुनकर कई माता पिताओं के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर हमारी पुत्री आज्ञांकित न हो, कामकाज में ज्यादा रुचि रखने वाली न हो, आलसी हो, जो थोड़ा बहुत काम करे उसे भी अपनी मूर्खता के कारण बिगाड़ देती हो, अविवेकी होने के कारण सास को पलटकर जवाब देती हो, और इन सब बातों के कारण सास अगर हमारी पुत्री को परेशान कर रही हो, तब तो हम समझ सकते हैं कि सास दुष्ट नहीं है।
परंतु अगर हमारी पुत्री आज्ञांकित हो, प्रवृत्तिशील और घर के कामों के प्रति उत्साही हो, कार्य कुशल हो और साथ साथ इतनी नम्र हो कि कभी भी सास के सामने एक शब्द भी न बोलती हो और फिर भी उसकी सास उसे कष्ट देती हो, तब तो कोई भी समझ सकता है कि सास दुष्ट है। और ऐसे संयोगों में सास दुष्ट नहीं है, तेरे ही कर्म दुष्ट है, ऐसा कोई कैसे कह सकता है। ऐसा अनेक मनुष्य के जीवन में होता है, अपनी कोई भूल नहीं है, निर्विवाद रूप से सामने वाले की कल्पना ही गलत है या लोक दृष्टि से तो वही दुष्ट हो और बार बार परेशान करता हो तो फिर वह दुष्ट नहीं है, ऐसा मन को कैसे समझाना। जिसके लिए तन मन धन सब कुछ लुटाया हो, जिसके लिए इतने कष्ट सहन किए हो, अपमान के कड़वे घूंट पिए हो, अपने अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को गौण कर दिया हो, वही व्यक्ति आज हर प्रकार परेशान कर रहा हो, ऐसे संयोगों में वह व्यक्ति दुष्ट नहीं है, ऐसा हृदय किस प्रकार स्वीकार कर सकता है। इसके उत्तर में पूज्य श्री क्या कहते हैं वो हम जानेंगे अगले भाग में, यानी एपिसोड 8 में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।